दोस्तों हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन दोस्तों आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, बल्कि किसी और देवताओं के लिंग की पूजा क्यों नहीं की जाती। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इसका पूरा सच बताते हैं। दोस्तों हमारे भारत में मौजूद 12 शिवलिंग के अलावा भारत के हर मंदिर में एक नए शिवलिंग की स्थापना की जाती है। सभी लिंगों में सिर्फ शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार शिव जी को अपना होश ही नहीं रहा था, जिस कारण वो सारे वस्त्र उतारकर इधर उधर घूमने लग गए थे और बिना वस्त्रों के ही वो तीनों लोकों में घूमने के लिए निकल गए। शिव जी को इस अवस्था में भटकते हुए देख कुछ ऋषियों को गुस्सा आ गया और इसी कारणवश उन ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया कि शिव जी का लिंग कट कर गिर जाए, और तभी शिव जी का लिंग कट के पाताल लोक में गिर गया। लेकिन शिव जी के लिंग में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि संसार में प्रलय की स्थिति आ गई, जिस कारण पूरी दुनिया तबाह होने लग गई। पृथ्वी को तबाह होते देख मदद के लिए सभी देवी देवता माता पार्वती जी के पास पहुंचे और सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती जी से इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना की, और तभी सभी देवताओं के प्रार्थना करने के कारण माता पार्वती ने शिवलिंग धारण कर लिया और पूरी पृथ्वी को उनकी ऊर्जा से नाश होने से बचा लिया, और इसी के बाद शिवलिंग को महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जो कि आपको पता नहीं होगी। असल में शिवलिंग का मतलब शिव के लिंग से नहीं होता, बल्कि संस्कृत भाषा में लिंग का मतलब होता है रूप, मतलब कि किसी चीज का प्रतिबिंब। लेकिन बहुत से लोगों की ये धारणा है कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शिव के महारूप के तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर दोस्तों आप भी शिव जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। दोस्तों अगर आप शिव जी को दिल से मानते हो तो इस वीडियो में कोई भी गलत कमेंट मत करना और कमेंट में महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।